हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ टर्म टू के ब्लूप्रिंट के बारे में, जिसमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आ रहे हैं, ये सारा का सारा मैं ये डाटा डिस्कस कर रहा हूँ। तो लास्ट तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा। आपको यहाँ इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी कि किस तरह से अपन टर्म टू के केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम अपना केमिस्ट्री का ही है। तो आपके पास में प्रॉपर टाइम रहेगा जिससे कि आप अपनी केमिस्ट्री को शेड्यूल्ड बना करके तैयारी कर सकें। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अपने पास मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं दोस्तों बच्चों 12। इसमें देखिए, इस बार जो टर्म टू में आ रही है फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक और सरफेस केमिस्ट्री आ रहा है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में दो चैप्टर आ रहे हैं दोस्तों बच्चों, डियर एंड एप्लोक का और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसके अलावा 6 और 7 यानी एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन, ये दो चैप्टर आ रहे हैं ऑर्गेनिक के। अगर मैं इन दोनों चैप्टर की बात करूँ दोस्तों ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की, तो ये 13 मार्क्स ही आ रही है ऑर्गेनिक। इसके अलावा अगर मैं कोऑर्डिनेशन की और डीए ब्लॉक इनऑर्गेनिक की बात करूं तो ये आगे 6 और 3 9 मार्क्स की। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो तीनों चैप्टर मिलकर के भी ये भी आ रहे हैं 13 मार्क्स के। अब देखिए, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो अपने पास सेक्शन ए है उसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा दोस्तों और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ रहा है, यानी 2 क्वेश्चन ओवरऑल आएंगे और उनके मार्क्स क्या होंगे 5 होंगे। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। अगर मैं केमिकल काइनेटिक की बात करूं तो यहां से केवल एक ही क्वेश्चन आएगा और वो भी 5 मार्क्स का। देखिए अब यहाँ जो केमिकल काइनेटिक है उसमें कन्फर्म है एक तो न्यूमेरिकल आएगा भैया। अब न्यूमेरिकल जो चांसेस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के हैं, जिसमें हाफ लाइफ के लिए पूछा जाए, हाफ लाइफ के लिए पूछा जाए या रेट कांस्टेंट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, हाफ लाइफ पर या रेट कांस्टेंट पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए, आएगा कंफर्म आएगा भैया। अब ये हो सकता है कि इसी 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन को ये सब डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से मिलकर दे दिए। हो सकता है कि 3 मार्क्स का अकेला इनमें से भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे दे और बचे हुए एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन दे दे, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो 3 मार्क्स का एक अकेला क्वेश्चन आएगा सरफेस केमिस्ट्री में से। ऐसे ही अगर मैं डी एंड एफ ब्लॉक की बात करता हूँ तो यहाँ देखिए 2 मार्क्स के, सॉरी हाँ इसमें 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के आएंगे। ये क्या कह रहा है, 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के आएंगे। इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि एक कंफर्म है इलेक्ट्रॉनिक बेस क्वेश्चन पूछा जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक हो सकता है कि लेंथ एंड और रेक्टेंगल के बीच में डिफरेंस पूछा जाए, ये कंफर्म है कि लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन का आना इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रहेगा, आ सकता है कन्फर्म आ सकता है लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये जरूर ध्यान रखने का बच्चों का। इसके अलावा अगर मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करूँ तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, इसमें भी क्वेश्चन सब डिवाइड होकर आएगा ध्यान रखना। हो सकता है नॉर्मल किचर बेस पे दे दिया जाए, भले वो मॉलिक्यूल से नेम पूछे या नेम से मॉलिक्यूल पूछ लिया जाए, या हो सकता है वीबीटी बेस क्वेश्चन, जैसे आपने देखा होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देख करके पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट, हाइब्रिडाइजेशन पे बेस क्वेश्चन, कंपेरिजन बेस क्वेश्चन, जो कि आपके बहुत ही गजब के क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन के चांस आने के कन्फर्म है। इसके अलावा अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन की बात करूं तो देखिए 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, 2 × 2 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी ओवरऑल अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो 7 मार्क्स का ये अकेला चैप्टर है, कौन सा, कार्बन कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना दोस्तों बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने लिए, गजब की स्कोरिंग है इस चैप्टर 6 से और ये चैप्टर आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलवाएगा। सातवां चैप्टर जो दे रखा है वो अपने अमीन से रहेगा और इस अमीन में से केवल 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। सो क्या कह रहा हूँ, 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे, ओवरऑल 6 मार्क्स के चैप्टर क्वेश्चन आ जाएंगे 6 मार्क्स के। तो अगर मैं ओवरऑल क्वेश्चन मार्क्स की बात करूँ तो 2 मार्क्स के ओवरऑल जो क्वेश्चन है 3 है, मार्क्स 6 हो जाएंगे, 3 मार्क्स के ओवरऑल क्वेश्चन 2 होंगे, 24 मार्क्स हो जाएंगे और 5 मार्क्स का ओवरऑल 1 क्वेश्चन होगा, तो ऐसे टोटल क्वेश्चन 12 होंगे और 35 टोटल मार्क्स होंगे। ये थे दोस्तों आपका ब्लूप्रिंट, जो कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट है, जिसमें आपको इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको आपको प्रिपरेशन करनी है और ये प्रिपरेशन भी मैं आपको कंप्लीटली खुद करवाऊंगा।
मेरे चैनल पे देखो, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो जितने भी चैप्टर है अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ वन बाय वन। क्वेश्चंस जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, क्या कह रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस आपको 100% आपकी स्कोरिंग को बढ़ाने वाले होंगे, 100% बढ़ाएंगे भैया। बस ये है कि आपको रेगुलर देखना है, रेगुलर वीडियोस को देखते रहना है। इसके अलावा आपका सिलेबस, सिलेबस में अगर मैं बात करूं, सिलेबस की मैं बात करूं तो इस सिलेबस पे बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन टॉपिक्स को मैं रिवाइज कराऊंगा। क्या करूंगा, रिवाइज कराऊंगा, और इन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैं अपने बेसिस पर इनको सॉल्व कराऊंगा, भले वो इंटेक्स के हों, एक्सरसाइज के हों, या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हों जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो आपके सेकेंड टर्म में आ सकता है। ये सारे के सारे मैं आपको इसी चैनल के थ्रू कराऊंगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि यहाँ आपका ये जितना भी कोर्स है ना, ऑनलाइन कोर्स, ये ऑनलाइन कोर्स आपको फ्री में मिलेगा। क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम चैनल AR केमिस्ट्री धाम, जो मैंने इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल, उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी टॉपिक कराऊंगा उनकी सबकी मैं PDF भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, PDF नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है AR केमिस्ट्री धाम को, और डेली लाइव जो मैं शाम को क्लासेस लूंगा और वो आपको मॉर्निंग में आपको वो अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बाय।